नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बालाघाट कलेक्टर का नहीं कोई अंकुश, क्षेत्र के साथ कर रहे भेदभाव। जिला प्रशासन का भी नहीं मिला सहयोग। कोविड सेंटर में जितना भी अभी तक काम हुआ है पूरा कोरोना रिलीफ फंड के सहयोग से हुआ। विधायक प्रदीप जायसवाल ने बारासिवनी क्षेत्र की जनता से कहा कि अभी तक नहीं खोले जाने को लेकर जिला प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है, अतः मैं बारासिवनी खैलांजी कटंगी की जनता से माफी मांगता हूं कि मेरे द्वारा जनता के उपचार के लिए जो भी व्यवस्था हो पाएगी कराई जाएगी। जिला प्रशासन इस वक्त फ्लॉप साबित हो रहा है। जिले के कलेक्टर को ये नहीं पता कि किस जगह कौन डॉक्टर काम कर रहा है, बस केवल मीटिंग करके जनता के साथ मजाक किया जा रहा है। टीम वर्क का अभाव है। वारासिवनी में कोविड सेंटर खोले जाने वाले कोविड सेंटर में कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी अभिषेक तिवारी दौरा कर जा चुके हैं, किंतु अभी तक चालू नहीं किया गया, बल्कि सेंटर देखने जाते हैं। यहां जनता को बेवकूफ बनाने जैसा है, जबकि 12 दिन से वारासिवनी में कोविड सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है, किंतु भेदभाव कर जिले के दूसरे स्थानों पर कोविड सेंटर खोला जा रहा है। वारासिवनी से डॉक्टर और वार्ड बॉय बालाघाट आ जा रहा है और ये सब भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। प्रदीप जायसवाल ने जनता को भरोसा देते हुए कहा कि हम व्यवस्था करा रहे हैं, हमारे व्यापारी समाज सेवी भी मदद कर रहे हैं। क्या कहा वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल ने, क्या बयां किया? ये बड़ा खेद है कि वारासिवनी का जो कोविड सेंटर, उसको जिले में सबसे पहले कोविड सेंटर बनाने का प्रयास है, जिसमें हमारे माननीय कलेक्टर इस पर भी दो बार इसका निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन 12 दिन होने के बाद भी स्थानीय व्यवस्था आप देख रहे हैं कि पूरी व्यवस्था हम करा चुके हैं। ये व्यवस्था शासन प्रशासन ने नहीं किया है, ये प्रशासन हमारे समाज सेवियों ने वारासिवनी क्षेत्र के और जो हमारे जो व्यापारी वर्ग सबके सहयोग से हमें प्रारंभ किया है। ये कूलर देख रहे हैं आप, हरी मिर्च देख रहे हैं, ये सब हमने प्रयास किया था, लेकिन खेद है कि 12 दिन के बाद भी लांजी परसवाड़ा लामता में खुल गया कोविड सेंटर, लेकिन वारासिवनी नहीं खुला। आज जिले में आधे मरीज वारासिवनी कलांजी कटंगी क्षेत्र के होते हैं पूरे जिले में, लेकिन यहाँ पर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है। जिला प्रशासन जो है इसमें बहुत ही उदासीन रवैया जिला प्रशासन का है, और जिसके चलते कोविड सेंटर नहीं खुल पाया। और हमने जो कोरोना रिलीफ फंड बनाया था, समाज सेवी और हमारे जितने अन्य जो लोग के सहयोग से लगभग 24 लाख रुपए हमने इकट्ठा किया, जिसमें 12 लाख रुपए मेरे द्वारा दिए गए, जिसमें हमने 13 मशीनें ऑक्सीजन की मशीन लाई है, लगभग 24 लाख रुपए अब तक उसमें हुआ है। और मेरा वारासिवनी क्षेत्र खल्लानी क्षेत्र की जनता और कटंगी क्षेत्र की जनता से यही निवेदन है कि हम माफ़ी चाहते हैं कि कोविड सेंटर हम नहीं खोल पाए, लेकिन हमारा वारासिवनी का जो सिविल हॉस्पिटल है और खल्लानी का जो हॉस्पिटल है उसमें हम अभी 25 मशीनें और ला के उसको प्रारंभ करेंगे। डॉक्टर की व्यवस्था जो हमारे पास सीमित माध्यम में है, उसके माध्यम से हम क्षेत्र के लोगों की सेवा सिविल हॉस्पिटल में करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने जो इतनी मशीनें बुलाई समाज सेवी के माध्यम से, कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से, उसका परिणाम है कि हफ्ते भर में कम से कम 50 लोगों की जान बच गई, अन्यथा वारासिवनी में आज भी 2-3 लोग रोज खत्म होते। लेकिन हमारे जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन का पूरा ध्यान जो है बालाघाट उधर ही है, महंगा के इधर जो है उनको शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है, उदासीन रवैया है, और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हमने कहा वारासिवनी के डॉक्टर को वापस लाओ, कोविड सेंटर नहीं खुला, वारासिवनी के डॉक्टर जो हमें यहाँ से गए उनको वापस नहीं किया। और आज तो हद हो गई कि हमारे जो वार्ड बॉय होते हैं, वार्ड बॉय की ड्यूटी में बालाघाट लगा दी गई। जब डॉक्टर यहाँ नहीं रहेंगे, वार्ड बॉय नहीं रहे, कोविड सेंटर मत खुलवा, लेकिन जिस सिविल हॉस्पिटल में हम व्यवस्था कर रहे हैं, हमने किट बुलाए, 1000 किट हमने सिविल हॉस्पिटल में रखी है, सारी व्यवस्था हम सिविल हॉस्पिटल देने का प्रयास कर जन सहयोग से, तो कम से कम यहाँ पर तो व्यवस्था रखें, तो वार्ड बॉय भी ले आ लिए, डॉक्टर भी ले आ लिए। तो ऐसे में वारासिवनी खल्लानी कटंगी क्षेत्र के जो लोग हैं, जो रोज़ आ रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, दवा नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में कैसे हो गए? तो ये जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बालाघाट मुख्यालय में कलेक्टर को बांध दिया गया है, कलेक्टर साहब जिला मुख्यालय से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और इतना उदासीन रवैया के स्वास्थ्य में कोई डॉक्टरों पर किसी का अंकुश नहीं है, कोई डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहा है, वार्ड बॉय नर्स के भरोसे जिला हॉस्पिटल चल रहा है, किस मरीज को इंजेक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा, दवा दिया जा रहा है कि नहीं दिया रहा, किसी डॉक्टर को मालूम नहीं रहता है। इस कोविड सेंटर को संचालित करने के लिए कितने डॉक्टर और क्या स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी, जो जिला प्रशासन से आप अपेक्षा कर रहे हैं? कोविड सेंटर में अभी तक जितनी भी सुविधा की गई है कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से हुई है? यहाँ सब पूरा कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से। जायसवाल जी, आप जिले में आपदा प्रबंधन स्टाफ दो, बस आपदा प्रबंधन देने के बजाय स्टाफ ले लिया। हम यहाँ चाहते थे सरकार हमको, शासन हमको, जिला प्रशासन हमको ऑक्सीजन की व्यवस्था करे, पाइपलाइन बिछ गई ना, ऑक्सीजन लगेगी नहीं लगेगी, आज 12 दिनों का ऑक्सीजन की व्यवस्था की।
तो हम जनता को क्या जवाब दें? हम जनता का जवाब यही दे रहे हैं कि भैया हम माफी चाहते हैं, कोविड सेंटर नहीं खुल रहा है। आपदा प्रबंधन समिति, जसवाल जी आपदा प्रबंधन समिति में आप भी बैठे थे, जिला कलेक्टर भी, जब लॉकडाउन में 50-50 बिस्तर का आश्वासन दिया था आयुष मंत्री ने। सारे नेताओं का समय, कलेक्टर का समय सिर्फ मीटिंग में जा रहा है, कोई क्षेत्र में देखने नहीं जा रहा है किसका इलाज क्या हो रहा है, कोई मरीज को हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई किसी डॉक्टर पर किसी का कोई अंकुश नहीं है, किसका इलाज क्या हो रहा है, कोई भगवान भरोसे मरीज चल रहा है, जो मर गया उसको गाड़ी देते ले जाते, ये चल रहा है सर। मीटिंग में पूरा समय जा रहा है, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, कलेक्टर कटंगी जाते हैं, जब वारासुनी का हॉस्पिटल नहीं खुल पा रहा है कोविड सेंटर, कटंगी जाने की क्या जरूरत है आपको? अभी नहीं खुल, अरे कटंगी वाले तो वारासुनी आ रहे हैं, आप कटंगी जाकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पहले वारासुनी का हॉस्पिटल चालू करते उसके बाद कटंगी का प्रयास कर रहा है, तो इस तरह से पूरा दिखावा चल रहा है, पूरा मजाक चल रहा है, मजाक जनता के साथ। भैया आखिरी सवाल, क्या शासन मानते, शासन को या प्रशासन? प्रशासन जवाबदार, पूरा जिला प्रशासन पूरा जवाबदार, जिला प्रशासन हमारे जैसे नेता वो जवाबदार है, क्या हम समन्वय नहीं बैठा पा रहे, जनता को हम राहत नहीं दे पा रहे, हम तो हमको कुछ नहीं मालूम किसी को, कहाँ मरीज का क्या इलाज हो रहा है, किसको इंजेक्शन लग रहा है, इंजेक्शन कहाँ जा रहे हैं, ना इलाज।